राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को हुई एक दिन की बरसात ने दिल्ली के सरकारी इंतजामों की पोल खोल के रख दी। जगह जगह पानी भर गया, कई जगह लोगों के वाहन जलभराव में फंस गए थे। लोगों को बारिश में निकलने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई महत्वपूर्ण जगहों पर भी पानी भर गया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार की लापरवाही को दर्शाया और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी करी और इसके साथ दिल्ली के लोगों को राहत देते हुए एक पहल की शुरुआत भी करी। अगर बारिश में जलभराव में आपका वाहन कहीं फंस जाता है तो आपके लिए खुशखबरी है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आपका वाहन जलभराव से निकालने के लिए बीड़ा उठाया है। जी हां, प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा बड़ी 5 ट्रेन का इंतजाम किया गया है। यानी अगर आपका वाहन कहीं बरसात के जलभराव में फंस जाता है या जलभराव में आपका वाहन बंद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको को एक व्हाट्सएप नंबर पर पूरी डिटेल के साथ संदेश भेजना है और उस जगह की लोकेशन भी सेट करनी होगी जहां पर आपका वाहन जलभराव में फंसा है। ये व्हाट्सएप नंबर 9625777907 है। बस आपको ये व्हाट्सएप नंबर पर लोकेशन के साथ पूरी डिटेल भेजनी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा क्रेन का इंतजाम जो किए हैं वे आप तक पहुंच जाएगी। बताया जाता है कि 2 क्रेन तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ही रहेंगी जबकि 3 क्रेन जो कि दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में खड़ी रहेंगी। दिल्ली में मौसम की पहली बारिश हुई और दिल्ली पूरी तरीके से, मैं समझता हूं कि ना सिर्फ जाम हुई बल्कि दिल्ली पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आए। चाहे वो दिल्ली के रोड हो जहां पर पानी इकट्ठा हुआ, चाहे मुख्य अंडर ब्रिजेस हो, चाहे दिल्ली का एयरपोर्ट हो, चाहे दिल्ली के रेलवे स्टेशन हो, पोस्ट कॉलोनी हो, एनडीएमसी का क्षेत्र हो, अनऑफिस कॉलोनी हो, ये पूरी तरीके से जलमग्न आज दिल्ली पूरे दिन लोग इधर से उधर परेशान हुए, लंबे लंबे जाम में फंसे, लोगों के घरों में पानी घुसा, लोगों के अड़ोस पड़ोस में चाहे वो पार्क थे वो आज कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला कि स्विमिंग पूल में तब्दील हुए और जगह जगह लंबे लंबे जाम हर जगह देखने को मिले। इसके साथ साथ मुझे दुख है कि जो एयरपोर्ट अभी कुछ महीने पहले जिसकी शुरुआत हुई, जिसका गुरुनाथ उद्घाटन हुआ, वहां पर भी बारिश के कारण पिलर गिरा और उसमें कुछ लोगों की दर्दनाक मौत के भी कंफर्मेशन हुई है। हम इसकी क्योंकि जागरूक एक पार्टी होने के नाते, राजनीतिक पार्टी होने के नाते, हम ये बात शुरू से कहते आए हैं और इन सरकार को चेताने का काम है हम करते आए। हमने कहा था कि दिल्ली के नालों की प्रॉपर सफाई होनी चाहिए, जो घास उठी है उसको उठाया जाना चाहिए, लंबी आड़ तक उठाया जाना चाहिए और इस संदर्भ में सरकार को भी चीफ सेक्रेटरी को भी हमने 12 तारीख को ही ये पत्र आगाह करते हुए लिखा था कि बारिश आने वाली है और इससे पहले कि आज जब उस समय पानी का हाहाकार हुआ तब हमने ये एक जागरूक राजनीतिक पार्टी होने के नाते अपना फर्ज समझा कि दिल्ली को परेशानी नहीं होनी चाहिए और अगर नाले जो इसमें लगातार भरी रहती है उसकी साफ सफाई होनी चाहिए, उसके बारे में हमने आगाह किया। हम अपनी तरफ से काफी कोशिश करते रहे हैं, आगे भी हमारा ये प्रयास जारी रहेगा कि दिल्ली की जनता परेशान ना हो, दिल्ली की जनता को जो सुविधा हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो करने का भी प्रयास हम अपनी तरफ से करने जा रहे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने फैसला भी किया है कि हम 5 ट्रेन यहाँ पर
जिनमें से दो हम यहाँ ECC में रखेंगे और तीन अलग अलग जगह पर इनको खड़ा करेंगे, ताकि कहीं दिल्ली की जनता को कोई परेशानी हो तो कम से कम अपनी ड्यूटी निभाते हुए उन बस को, उन कार को, उन स्कूटर्स को निकालने में हम मदद कर सके। और इसके लिए जो नंबर हमने जारी कर रहे हैं वो 9625777907, ये हमारा कंट्रोल रूम का नंबर होगा, जहां पर भी किसी साथी को मदद की जरूरत होगी हम कोशिश करेंगे कि हमारी ट्रेन कार्यक्रम पर तक। दिल्ली में एक तरफ यहां भाजपा और आप पार्टी कभी पानी न आने के मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में जुटे हुए हैं, और वहीं दूसरी तरफ जलभराव की स्थिति में भी कुछ इसी तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा दिल्ली के लोगों को कुछ राहत देते हुए लोगों की मदद के लिए एक पहल शुरुआत करी है, जो कि काफी सराहनीय है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।